राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ के वार्ड नंबर 22 सिविल लाइन में इस वर्ष 5 क्विंटल गन्ने से श्री गणेश जी की मूर्ति आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसके दर्शन करने रोजाना सैकड़ों की तादाद में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। 11 दिनों के लिए विराजमान किए गए श्री गणेश जी को एक अनोखे रूप देते हुए इस वर्ष 5 क्विंटल गन्ने से समिति के द्वारा बनवाया गया, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे हम गन्ने के खेत में गणेश जी का रूप देख रहे हैं। 5 क्विंटल गन्ने से निर्मित मूर्ति अपने आप में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसके दर्शन के लिए छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े इनके दर्शन करने रोजाना हजारों की संख्या में पहुंचकर दर्शन पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बता दें कि वार्ड में बनाई समिति में कोई भी अध्यक्ष या अन्य पदाधिकारी नहीं होते हुए भी सिर्फ सदस्य के रूप में अपना दायित्व निभाते आ रहे हैं और पिछले 5 वर्षों से अलग अलग तरह की मूर्ति बनाकर बैठाई जा रही है। सूरजपुर जिले के रामानुज नगर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत पंचवटी के मनोहर बरगाह पिता सुंदर बरगाने गांव के ही 17 वर्षीय विकलांग किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसाया। इसी बीच उसने किशोरी से कहा कि वो उससे शादी करेगा। युवक की बात में आकर किशोरी ने भरोसा कर लिया। इधर युवक की नीयत कुछ और ही थी, उसने इसी का फायदा उठाकर किशोरी से शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए और पिछले 9 महीने से दैहिक शोषण कर रहा था। जब किशोरी गर्भवती हो गई तो किशोरी ने शादी करने को कहा तो वो टाल मटोल करने लगा। ये बात लड़की के घर वालों को भी पता चल गई। इस पर उसके माता पिता युवक के पास गए और अपनी बेटी से शादी करने को कहा। इस पर युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो उससे शादी नहीं कर सकता और कई बार पंचायत भी बैठाई गई। पंचायत में भी युवक के द्वारा शादी करने से मना कर दिया गया। इसके बाद किशोरी के परिजनों के द्वारा थाने पहुंचकर युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। कहाँ है, कौन लड़का रही है? कहाँ का रहने वाला है? कहाँ का रहने वाला है मनोहर? पंचवटी का। हाँ। क्या किया इसके साथ आपके बच्चे के? कितना दिन तक कर रहे थे? जो पंचवटी में जो एक आदिवासी लड़की के साथ घटना जो घटा है, क्या है सर, आपके यहाँ तो आया है रिपोर्ट में? 6 तारीख को शीला सिंह नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ थाने में रिपोर्ट करने आई और उसने बताया कि जनवरी महीने में उसी गांव का मनोहर बरगाह नाम का लड़का शादी का प्रलोभन देके उसके साथ दैहिक शोषण करता रहा और जिस समय घटना फर्स्ट घटना हुआ उस समय लड़की नाबालिग थी, तो उसकी रिपोर्ट पर से हम लोग थाना में अपराध पंजीबद्ध किए हैं दैहिक शोषण का और नाबालिग का और पॉक्सो एक्ट की धाराएँ लगी हुई हैं। चूँकि लड़की दलित वर्ग की है इसलिए उसमें दलित वर्ग की जो लड़कियां हैं उसकी विवेचना राजपत्रित अधिकारी करते हैं, इसलिए अग्रिम विवेचना की डायरी जो है एजेक्ट DSP साहब के ऊपर भेजी गई है और उनके द्वारा विवेचना की जा रही है। आरोपी का हर संभावित स्थानों पर अपन दबिश दे रहे हैं पकड़ने के लिए और जल्द ही गिरफ्तारी कर उसके माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को खुश करने के लिए अपने जन्मदिन पर अतिरिक्त महंगाई भत्ता की सौगात दी। राज्य के तकरीबन 3,72,000 कर्मचारियों को 1 जनवरी 2019 से इसका लाभ हासिल होगा, लेकिन नई सरकार से मिली सौगात से जिले और राज्य सरकारी कर्मचारी खुश होने के बजाय पुरानी मांगों और 7वें वेतनमान की एरियस राशि नहीं मिलने से दुखी होकर सरकार के खिलाफ खेद व्यक्त कर रहे हैं। विभिन्न मांगों और 7वें वेतनमान के एरियस राशि नहीं मिलने से नाराज जिले और राज्य के लगभग लाखों शासकीय कर्मचारियों में राज्य के भूपेश सरकार के खिलाफ धीरे धीरे नाराजगी जताकर आंदोलन करने की बातें कहने लगे हैं। 7वें वेतनमान की एरियस राशि नहीं मिलने नाराज विभिन्न कर्मचारी संगठन के सदस्यों का कहना है कि पूर्व सरकार ने प्रदेश के तमाम शासकीय कर्मचारियों को 7वें वेतनमान की एरियस राशि 6 किश्तों में दिए जाने की घोषणा की थी। बस्तर जैसे सुदूर अंचल में कर्मचारी तो नक्सली इलाकों में ये करके दिन रात अपनी सेवा दे रहे हैं, सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों को सरकारी कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संपादित कर रहे हैं। शासकीय कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 3,72,000 के आसपास है,
सरकार द्वारा सातवें वेतनमान की प्रथम किस्त जारी करने के बाद आज पर्यंत तक इस संबंध में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कब इनको कर्मचारियों को कब एरियस की राशि भुगतान की जानी है? इससे पूरे राज्य के कर्मचारियों में आक्रोश और निराशा व्याप्त है कि कर्मचारियों के हक का पैसा है, किंतु शासन ये सबको दबा के बैठी है। न ही उन्होंने केंद्र की भांति सातवें वेतनमान के भत्तों का पुनरीक्षण किया है। मकान भाड़े भत्ते में छठे वेतनमान में आज मुश्किल से किराया भी नहीं मिल पाएगा, कर्मचारियों को रहने के लिए घर नहीं मिल पाएगा, वो भत्ता हमें आज भी दिया जा रहा है। केंद्र से हम अभी भी 3% डीए की राशि पीछे हैं, जो कि कर्मचारियों को अति शीघ्र देना चाहिए, किंतु एक खेद का विषय है कि सरकार राज्य शासन द्वारा आज भी 3% कम हमको दिया जा रहा है। और सातवां वेतनमान का ना एरियस का ठिकाना है, जिसे पूरे राज्य के कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है और आंदोलन के लिए सेंट्रल ने एरियस दे चुका है अपने कर्मचारियों को। और छत्तीसगढ़ सरकार को हमने जब जहाँ भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ, इवन उनके बंगले में भी जाके इसके संबंध में ज्ञापन दिया जा चुका है कि कर्मचारियों को एरियस का जो भुगतान है सेवन पे का, वो जल्द से जल्द किया जाए। अभी तक अपने को 3 किस्त मिल जाना चाहिए था, साल भर हो गए, 1 किस्त प्राप्त हुई हम लोगों को। कर्मचारियों को बहुत दिक्कत है, पैसे की तंगी छा गई है लोगों में, महंगाई झेलना पड़ रहा है, बच्चों के फीस और घर के देख रेख, ये सब चीज़ें समस्याएँ हैं कर्मचारियों को। नहीं, सरकार से उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन अभी तक हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा है सरकार, क्योंकि बहुत सारे वादे किए थे सरकार ने आने से पहले, और अभी तक लगभग मेरे अनुसार तो बहुत कम ही वादे उनके पूरे हुए हैं कर्मचारियों के प्रति। राज्य में जितने भी नियमित कर्मचारी हैं, लगभग 3 लाख कर्मचारी हैं, उसको सभी को सेवन पे कैरियर मिलना है। कर्मचारी संघ में तो रोष व्याप्त है, अभी अगर जल्द से जल्द राशि जारी नहीं की जाती है एरियस की राशि, तो आंदोलन का रुख अपनाएंगे। हमने उम्मीद की थी कि शासन कर्मचारियों पर विशेष ध्यान देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जो बड़ा दुखद और दुर्भाग्यजनक है। प्रदेश में 2.5 से 3 लाख के कर्मचारी हैं, इनको पहले एरियर्स का पहला ही किस्त प्राप्त हुआ है, उसके बाद कोई किस्त प्राप्त नहीं हुआ है। तो शासन का ध्यान हम आकर्षित करना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री का और पूरी सरकार का, कि इस ओर जल्द से जल्द ध्यान दें। हम लोग को साल भर हो गया, 1 ही किस्त मिला है, जबकि अभी तक दूसरी और तीसरी किस्त भी मिल जानी चाहिए थी। और हम शासन से पुनः अपील करना चाहेंगे, नई सरकार के बनते ही सरकार के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद हमारा डेलीगेशन जाकर उनसे मिला था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि, लेकिन अभी तक हमारी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। विशेषकर मैं कहना चाहूँगा कि वेतन विसंगति का मामला, वेतन विसंगति के मामले में कोई भी पहल नहीं हो रही है शासन के द्वारा। हमारे कर्मचारी यार बहुत दिनों से कर रहे हैं शासन के नई सरकार के आने के बाद में, लेकिन कर्मचारी आक्रोशित हो रहे हैं, अंततः हमको आंदोलन के रास्ते पर जाना पड़ेगा। दिक्कतों की बात तो ये है कि महंगाई एक तो निरंतर बढ़ती जा रही है, दूसरी बात ये है कि नए सत्र में बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा और बुजुर्ग हैं उनको सहयोग करना, स्वास्थ्य पर ध्यान देना, और बहुत सारी बात। कोरिया जिले के चरमिरी नगर निगम स्थित वार्ड क्रमांक 3 बेनिया दफाई में बीते 2 दिनों से बिजली नहीं है। 2 दिन पूर्व यहाँ SECL द्वारा लगाए गए बिजली के खंभे से एक तार टूटकर गिर गया, जिसके कारण एक भैंस की जान चली गई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि 2 दिन पूर्व बिजली का तार गिर जाने से वो गली की सड़क पर गिर गया, जिसमें फंसकर भैंस मर गई। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने SECL विभाग को दी और बिजली दोबारा चालू करने के लिए भी कहा, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नहीं आया और बिजली की समस्या यथावत है। यहाँ कल से लाइट का तार गिरा हुआ है और इसका सूचना लगातार SECL कर्मचारी और अधिकारी को दे रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग, लेकिन अभी तक उनका कोई भी कर्मचारी यहाँ देखने नहीं आया। और इससे एक ठो जानवर ख़त्म हो गया कल, है ना, उसमें उसको भी कोई उठाने वाला नहीं था, और जब उठा के ले भी किया गया उसके बाद भी कोई कर्मचारी नहीं आया इसे देखने के लिए। कल से लाइट कटा हुआ है, पूरा वीरान पड़ा हुआ है ये वार्ड, ना कोई यहाँ पर SECL का कोई अधिकारी और कर्मचारी नहीं आया। इसके सीधा सीधा ये निश्चित तौर पर SECL का लापरवाही है कि भैंसी मरी है लाइन से, आप भैंसी बोले कि उठा दीजिए तब पहले लाइन देंगे, तो लाइन जब नहीं आया है तो हम लोग रात दिन बिताएं, अब भैंस उठ गई है तो लोग कोई सुनाइए नहीं है, हाँ, तो फिर भी अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं कुछ काट देगा, अंधेरे में हैं हम लोग, हैं हाँ, तो हमारे बच्चे देंगे, हाँ, तो इसीलिए हमके लाइन ज़रूरी है भैया, लाइन दें। हाँ, कब से टूटा तार पड़ा है यहाँ? कल सवेरे से। इसका सूचना कहाँ कहाँ दिलवाए हैं? कोई सगरों दिवा दिए हैं, कोई नहीं सुनाई है।
अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया? कोई नहीं आया है। दंतेवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ओजस्वी मंडावी केशापुर गांव स्वर्गीय रामलाल ओयामी के परिजनों से मिलने पहुंची। श्यामगिरी ब्लास्ट में रामलाल ओयामी की शहादत दिवंगत विधायक भीमा मंडावी के साथ हो गई थी। केशापुर से महज 5 किलोमीटर दूर बस्तर टाइगर स्वर्गीय महेंद्र कर्मा का फरसपाल गांव है। भाजपा उम्मीदवार ओजस्वी फरसपाल गांव पहुंची, जहां स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की प्रतिमा कर्मा परिवार ने स्थापित की है। ओजस्वी मंडावी झीरम घाटी हमले में शहीद स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। ओजस्वी मंडावी ने कहा कि स्वर्गीय कर्मा जी ने दंतेवाड़ा की जनता के लिए बहुत कुछ किया है और राजनीति के क्षेत्र में कदम रखने से पहले ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व का आशीर्वाद मैंने लिया है। इस दौरान ओजस्वी बहुत भावुक थी। हमारे मंडावी जी के साथ जो शहीद हो गए थे जवान, उनके घर मिलने गए थे और वहाँ से फिर फरसपाल आए। तो यहाँ मेरा प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहले बार आगमन हुआ, इसलिए मैं कर्मा जी के आशीर्वाद लेने, उनके नम आंखों से थोड़ा आशीर्वाद लेने आ गई। वहाँ हमारे एक पुलिस जवान शहीद हो गए थे, उनके परिवार से मिलने गए थे। दोहरी नागरिकता के आरोप में जेल गए अमित जोगी का वीडियो वायरल हुआ। अपने वीडियो में अमित ने अपोलो प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। प्रबंधन ने दवाइयों का 3 गुना डोज बढ़ाया। शौचालय में परेशानी हो रही थी, लगातार नींद आ रही थी। प्रशासनिक दबाव के कारण डिस्चार्ज किया गया। बिना रिपोर्ट के मुझे डिस्चार्ज किया गया। नागरिकता को लेकर 14 दिन की न्यायिक रिमांड के दौरान तबीयत खराब हुई थी। गोरखपुर जेल से उपचार के लिए अपोलो अस्पताल लाया गया था। पिछले 4 दिनों से मेरा अपोलो में उपचार चल रहा है। इन लोगों ने जो मेरी दवाइयाँ थी उसको 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। आज सुबह से मैं पेशाब नहीं कर पा रहा हूँ, पेशाब कर रहा हूँ तो जलन हो रही है। इन्होंने मेरा यूरिन सैंपल लिया है, 3 दिन बाद 4 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आएगी। सुबह से मैं शौचालय नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा जो सोडियम लेवल है वो आप रिकॉर्ड चेक कर लेंगे, 138 है, जबकि 135 होना चाहिए। मैं ठीक से जाग नहीं पा रहा हूँ, मेरे को लगातार नींद जैसी आ रही, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्होंने दवाइयाँ बढ़ा दी हैं। और उसके बावजूद, क्योंकि माननीय न्यायालय ने परसों मेरा मेडिकल बेल पे हियरिंग रखा है, प्रशासनिक दबाव के कारण ये लोग मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध डिस्चार्ज कर रहे हैं। कभी आपने सुना है ऐसा कि रिपोर्ट पूरी आई नहीं हो और मरीज को बोला जा रहा है कि ठीक है 4 दिन बाद आपकी रिपोर्ट आएगी तब हम देख लेंगे, अभी आप डिस्चार्ज होकर चले जाइए। इस हद तक भूपेश बघेल जी की राजनीति का हस्तक्षेप है कि एक स्वतंत्र अस्पताल अपोलो जैसे अस्पताल के सीओ के ऊपर दबाव बनाकर जबरिया मुझे डिस्चार्ज कराया जा रहा है। जिला मुख्यालय से सटे ग्राम पंचायत थेलका बोट के पोल्ट्री फार्म में लगातार 1 सप्ताह से तेंदुआ घुसकर मुर्गियों को अपना शिकार बना रहा था, जिसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। वन विभाग ने पोल्ट्री फार्म में पिंजरा लगा दिया और बीती रात फिर शिकार करने पहुंचा तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। तेंदुए के पिंजरे में कैद होने की सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और तेंदुए को पकड़कर शहर से दूर जंगल में छोड़ दिया गया। तब जाकर गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। दरअसल तेंदुए ने अब तक करीब 70 से अधिक कड़कनाथ मुर्गियों को अपना शिकार बना चुका था, जिससे गांव और दुकानदार दहशत में थे। वन विभाग ने कई दफा तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया, लेकिन वो उसमें फंस नहीं रहा था। लोग शाम 6 बजते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर अंदर दुबक कर रहते थे। अब खाली ये विगत 1 हफ्ता से मुखान के यहाँ जो पोल्ट्री फार्म ठेलका बोर्ड में खोले हुए हैं उनके यहाँ शिकायत मिल रही थी कि तेंदुआ जो है रात्रि में आकर के उनके द्वारा जो कड़कनाथ मुर्गी जो पाले हुए हैं उनको मुर्गी को खा रहा है और मार के नष्ट भी कर रहा है। तो 2-4 दिन बाद शिकायत मिलने के बाद फिर हम लोग को अधिकारियों से परमिशन लेकर के, वरिष्ठ अधिकारियों से परमिशन लेकर के यहाँ उसके लिए जाली रखे और जाली में मुर्गी को अंदर डाला गया था। और जब मुर्गी के अंदर तो हम लोग ये तीसरे चौथे दिन तो नहीं, और आज रात्रि में मतलब तेंदुआ जो है मुर्गी खाने के लालच में जाली में घुसा और जाली में कैद हो गया।
ऐसे वहाँ पर आसपास के क्षेत्र में उन लोगों में एक दहशत का माहौल था कि अब ये इसको वरिष्ठ अधिकारियों से भी इसका निर्देश प्राप्त किया जाएगा कि इसको कहाँ छोड़ना है, उसके बाद इसको किसी सुरक्षित स्थान में छोड़ा जाएगा। कोरबा नगर निगम मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है, इसे लेकर निगम प्रशासन को कई बार अवगत कराया जा चुका है लेकिन उसके बाद भी उनकी समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं। इसे लेकर वार्ड नंबर 16 की महिलाओं से निगम कार्यालय का घेराव किया। कोरबा नगर निगम बिल्डिंग साकेत भवन के सामने नारेबाजी कर रहे लोग वार्ड क्रमांक 16 के रहवासी हैं। मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे वार्ड वासियों की पीड़ा ये है कि 2 महीने से सड़क बिजली पानी की मांग कर रहे हैं लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। जलभराव से बस्ती के अनेक कच्चे मकान गिर गए हैं, लोग खुले में भूखे प्यासे रह रहे हैं। और ये नगर निगम का आज ये जो घेराव करना पड़ा ये हमारी मजबूरी है। हम इस चीज को नहीं चाहते थे कि किसी भी हमारे आम नागरिक को और किसी को परेशानी हो, लेकिन पिछले 2 महीने से लगातार हमने नगर निगम में हर वार्डों की समस्याओं को लेकर के आवेदन दिया कि जो मूलभूत समस्याएं थी उनको निराकरण किया जाए, किंतु विकास के नाम पर केवल कुछ क्षेत्रों पे केवल विकास करना ये तो कार्य नहीं हुआ ना निगम का। उसके बाद वार्ड क्रमांक 16 में विगत कुछ दिनों पूर्व हुई भारी बारिश के कारण काफ़ी जल भरा हुआ, उस जगह पे काफ़ी मकान क्षतिग्रस्त हो गए। हमने उसके लिए बार बार आवेदन और निवेदन किया लेकिन अधिकारियों के द्वारा केवल आश्वासन दिया गया। कुछ ऐसे गरीब परिवार है जिनका मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, वो खुले आसमान के नीचे हैं, आज उनके पास खाने का भी सामान नहीं है, लेकिन निगम का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी आके वहाँ कोई उसकी सूद लेने वाला नहीं है। इन सभी बातों को लेकर के जनता में काफ़ी आक्रोश था। विकास के नाम पर केवल गार्डन बना देने से अगर विकास हो जाता तो लोग आज यहाँ खड़े होकर के हल्ला नहीं करते होते। विकास की मूलभूत सुविधाएं जो लोग को चाहिए आज भी आप चलिए। जी मैं प्रिया राजपूत वार्ड क्रमांक 16 से हूँ। हम लोग भैया समस्या को अपनी समस्या को लेकर बड़े बड़े अधिकारियों से हम लोग बार बार शिकायत कर चुके हैं। हम लोग का मोहल्ला इतना वो चीज़ है आप जाके देख सकते हैं। अभी काम किए हैं तो ऐसा काम किए हैं कि सबके घर में पानी घुस रहा है। हाँ, और हम लोग आए दिन शिकायत कर रहे हैं। बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं तो गिर रहे हैं, कोई अभी ख़त्म हुए हैं उनके यहाँ से हम लोग लहाज जाने के लिए हम लोग को बहुत दूर वो करना पड़ा है, पूरा कीचड़ से हम लोग जा रहे हैं। हम इतने बार हम लोग को जो मकान क्षतिग्रस्त हुआ है उसके मुआवजे के लिए भी हम लोग लगाए आवेदन, वो भी हम लोग को नहीं मिला है। अभी आप लोग कहाँ आए हो, क्या अभी हम लोग नगर निगम आए हैं, हम लोग मायूस होकर आए हैं। हम लोग भैया बहुत दिन से इंतजार किए हैं कि आज करेंगे कल करेंगे, आज भेजेंगे कल भेजेंगे अधिकारी लोग को करके, हम लोग का कुछ करेंगे करके, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं किए तो आज हम लोग को मजबूरन यहाँ आना पड़ा है। हम लोग के घर में भी काम रहता है, वो लोग के घर में जैसे काम है वैसे ही सबका ही समस्या रहता है, तो हम लोग के तरह वो लोग अधिकारी बने हैं तो हम लोग जब पहले जनता लोग का समस्या को सुने ना वो